आज हम करने वाले हैं आप लोगों के सवाल के कुछ आंसर, आसान भाषा में कहो जिसको हम Q&A भी बताते हैं। गेमिंग चैनल फ्यूचर में चलेगा या फिर नहीं? मैं अपने चैनल के अंदर क्या कैटेगरी रखता हूँ, मतलब मेरे वीडियोस की कैटेगरी क्या है? आप आपकी खुद की लॉन्ग वीडियो से अगर शॉर्ट वीडियो, दोनों वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हो, उससे आपका चैनल पे क्या फर्क पड़ने वाले हैं? ऐसे ही बहुत सारा सवालों के जवाब जो आप लोगों ने ही पूछा था, और वो भी यूट्यूब एल्गोरिदम एंड प्राइवेसी पॉलिसीज के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो हेलो क्रिएटर्स, आप सभी देख रहे हैं रोनी फॉर यूट्यूब चैनल, जहां पे हम लोग बात करते हैं यूट्यूब टिप्स ट्रिक्स न्यूज अपडेट लीक्स एंड पॉलिसीज के बारे में, और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह रोनी स्टार। देखो, फिजूल की बात करके कोई फायदा नहीं है, मैं सबसे पहले ही आपको बता देता हूं, अगर आप भी चाहते हैं आपके सवालों के कुछ आंसर में करूं, तो आप अपने चैनल के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपकी यूट्यूब ग्रोथिंग लाइफ पे हो रहा है या फिर यूट्यूब के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो उस बारे में सवाल कीजिए। जितना हो सकते हैं हम यूट्यूब एल्गोरिदम या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़कर उसके बाद ही आपको उन सवाल के आंसर करेंगे आने वाले हफ्ते पर। आप लोगों में से पहला सवाल पूछा गया था, गेमिंग चैनल फ्यूचर में चलेगा या फिर नहीं? देखो, अगर मैं इसका आंसर करूं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा पबजी बीजीएमआई या फिर आपके फ्री फायर जैसे गेम, ये जो गेम था पॉपुलर, बहुत ज्यादा पॉपुलर गेम था, ये हाल ही में बहुत बार बैन हो चुका है हमारे इंडिया के अंदर। तो जो गेमर है उनके दिमाग में चलता रहता है गेम आखिरकार चलेगा। अगर गेम बैन हो जाते हैं तो जितने भी बड़े बड़े गेमिंग क्रिएटर थे इन सभी कंटेंट के ऊपर, इन सभी गेम के ऊपर, उनका फिलहाल हाल ही में व्यूज ना के बराबर है, क्योंकि उनके पास 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन व्यूज आते हैं 500 के 400 के, ये तो नाइंसाफी है। तो इसी वजह से छोटे छोटे क्रिएटर सोचते हैं कि गेम अगर बैन हो जाते हैं तो क्या हम गेमिंग दुनिया पे फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे या फिर नहीं। देखो, आसान भाषा में मैं आपको आंसर करूं तो सबसे पहले आपको बताना जरूरी है गेम कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि गेम एक खत्म होंगे दूसरा आ जाएंगे। तो अगर आपकी सोच ऐसा है कि गेमिंग के वीडियो अगर आप करते हो तो इन फ्यूचर आप उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि हाल ही में लॉन्च होने वाले UGW अंडरवर्ल्ड गैंग ऑयर बहुत ही कमाल के गेम बन रहे हैं, उसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं। जैसे लॉन्च हो जाएंगे उसके बाद आप चैनल क्रिएट करके पहले ही तौर से आप अपने गेमिंग चैनल को ग्रो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि वो जो गेम है हाल ही में बिल्कुल नया है, इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे कि वो गेम लॉन्च हो जाए, अगर आपको गेमिंग में कुछ करना है तो उसके ऊपर आप जा सकते हैं। रॉकी भाई ने पूछा था वो यूट्यूब के लिए माइक लेना चाहते हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कौन सा माइक ले और मैं कौन सा माइक हाल ही में यूज़ करता हूँ। देखिए, मेरा जितने भी इक्विपमेंट्स है, मतलब जितने भी चीज़ मैं यूज़ करता हूँ यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, आपको मतलब पूरा कंप्यूटर से लेकर रैम तक या फिर मेरा माइक तक, सारे के सारे चीज़ का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। और रही बात कौन सी माइक आपको लेना चाहिए, तो माइक दो तरीके की होते हैं, एक इंडोर के लिए एक आउटडोर के लिए। तो आप किस तरीके की वीडियो बनाना चाहते हैं पहले वो डिसाइड करिए, उसके बाद उस बारे में यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखिए आउटडोर के लिए कौन सा माइक अच्छा होगा, नॉइस क्लियर होगा कौन से माइक के अंदर, और इंडोर के लिए आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। 2023 साल में मैंने आप सबको विश किया था अपनी कम्युनिटी टैब के अंदर, जहां पे हैप्पी न्यू ईयर बताया था, तो ये भाई पूछते हैं विश मत करो, करना है तो सपोर्ट करो। देखो भाई, यहां पे मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूँ, हमेशा सारे के सारे वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैं आपको इतना बताऊंगा, चाहे कुछ भी कर लो, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, आपको अगर सपोर्ट कर भी दे, सपोर्ट का मतलब ये है प्रमोशन करना, अगर आपको प्रमोशन कर भी दे तो आप उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही है यूट्यूब। हाँ, ग्रो आप तभी कर सकते हैं, मानो इंडियन हैकर और वीरेंद्र भाई, मैंने जो वीडियो बनाया था मिस्टर इंडियन हैकर और वीरेंद्र सिंह, ये दोनों के बारे में, तो वीरेंद्र सिंह पहले से मिस्टर इंडियन के हैकर के टीम पे काम करता था, ठीक है, काम करता था, इसी वजह से वीरेंद्र सिंह जो है वो एक फेस वैल्यू था उनके पास, इंडियन हैकर को सब पहचानते थे और सभी जानते थे कि वीरेंद्र सिंह जो है वो इंडियन हैकर की टीम पे काम करते हैं, इसी वजह से सब पहचानते थे, तो इनके उसके लिए उनका नया चैनल ग्रो हुआ। तो आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर आपको ग्रो करना है तो खुद को मेहनत करना पड़ेगा। देखो, मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ इस तरीके से, मैं आपको 100% जेन्युइन चीज़ बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे करके आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अगर आपके चैनल का लिंक लेकर अपने कम्युनिटी टैब में डाल भी दूँ तो 100% मैं कहता हूँ लोग आपके वीडियो 2-3-4 बार देखेंगे, ठीक है, देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करोगे कोई नहीं देखेंगे। सुनने में बहुत ज़्यादा बुरा लगते हैं, ये मेरे साथ भी पहले होता था, मैं भी बहुत बड़े बड़े क्रिएटर के पास मेल करता था या फिर कमेंट करता था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होते हैं भाई, और ये सच्चाई है। प्लीज़ गाइस, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर अभी भी सोच रहे हो कि सपोर्ट करेंगे तो उठ जाएंगे, हाँ वो होते हैं गेमिंग कम्युनिटी पे होते हैं,
गेमिंग चैनल पर कोई बड़े गेमर आपको सपोर्ट करते हैं तो आपके चैनल ग्रो होते हैं, लेकिन अलग कोई कैटेगरी में नहीं होते, बहुत कम होते हैं। तो मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, अपने टाइम को बर्बाद मत करो, आप यहाँ पे खुद काम करो, खुद सीखो, अपने टाइम कुछ सीखने में दो तो 100% आप ग्रो कर पाएंगे। अगर आपको मेरी बात से बुरा लगते हैं, देखो ये सच है, मैंने आपको सच बताया, अगर बुरा लगते हैं तो प्लीज माफ कर देना। ये भाई एक कमाल के क्वेश्चन पूछे हैं, एक साल से वो लगातार गेमिंग के वीडियो डाल रहे हैं लेकिन उनका कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुआ, मतलब चैनल ग्रो नहीं हुआ। देखो इसका आंसर अगर मैं दूं तो सबसे पहले हमें समझना है, मैंने जैसे कि पिछले वाला वीडियो पर बताया था, अगर 2023 साल के अंदर 22 साल के अंदर आपके चैनल पे आप लगातार काम करते हैं, एक्टिव थे, स्ट्राइक वगैरह नहीं थे, सही ढंग से YouTube एल्गोरिथम के हिसाब से काम करते थे, लेकिन उसके बावजूद अगर आपके चैनल ग्रो नहीं हो रहे तो मैं आपको ये बताया था एक नया चैनल क्रिएट करो और नए तरीके से काम करो, लेकिन पुराना चैनल पर भी आप एक्टिव रहो। तो मैं इस भाई को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई देखो अगर आपके ऐसी हालत है तो मेरे ख्याल से आपको एक नया चैनल बनवाना चाहिए, क्योंकि एल्गोरिथम पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। 100% जो नए चैनल बना रहे हैं उनको एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसके कंटेंट अच्छे हैं, कंटेंट अच्छे और वो रेगुलर अपलोड करते हैं तो वो ग्रो करेंगे ही करेंगे। इस भाई ने पूछा था, हेलो सर आपकी चैनल कौन सी कैटेगरी पे आते हैं? देखो सबसे पहले एक चीज आपको बताना जरूरी है, जितने भी कमेंट्स का रिप्लाई मैं कर रहा हूँ उसके पीछे मैं लॉजिक दिखा रहा हूँ आपको, जो यूट्यूब कहते हैं उसके बारे में पहले बता रहा हूँ उसके बाद आंसर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए कैटेगरी की बात करें, अगर लोग कहते हैं, लोग आपको कहेंगे आके एक वीडियो के कैटेगरी अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रख दिए तो सारे वीडियो के कैटेगरी वही रख दो, ये गलत चीज़ है। अगर ऐसा होता तो अलग अलग वीडियो पे यूट्यूब कभी भी अलग अलग कैटेगरी सिलेक्ट करने की फीचर्स ही नहीं देते, ठीक है? पहले एक फीचर्स देते आपके चैनल कैटेगरी यहाँ पे बना लो, लेकिन वीडियो पे कोई ऐसा सेटिंग ऑप्शन नहीं देते। तो ऐसा ऑप्शन देने का मतलब ये है, अगर आपके वीडियो ब्लॉगिंग टाइप का है तो वहाँ पे ब्लॉग कैटेगरी सिलेक्ट करो, और अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में लाइक मोबाइल सेटिंग्स या फिर आप कंप्यूटर के बारे में कुछ ऐसे बता रहे हैं या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं तो वहाँ पे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करो। इसको और भी आसानी से मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि कैरी मिनाटी, सबको पता है कैरी मिनाटी अपने चैनल के ऊपर एंटरटेनमेंट पे वीडियो डालते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपनी कैटेगरी जो है वो एंटरटेनमेंट रखेंगे। लेकिन कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसका जो गाना था कैरी मिनाटी का अपना खुद का रैप सॉन्ग था, ठीक है? लेकिन वो तो एंटरटेनमेंट नहीं रखेंगे, वो म्यूजिक के अंदर आते हैं, है ना, फिल्म एंड एनिमेशन या फिर म्यूजिक के अंदर आते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वो कैटेगरी चेंज करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे और मेरी बात करोगे, मैं अपने चैनल के ऊपर कभी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर एडुकेशन एक कैटेगरी नहीं रखता हूँ, एक एक वीडियो में आपको अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलेंगे, वीडियो जिस टाइप से होते हैं उस टाइप से मैं कैटेगरी यहाँ पे रखता हूँ। और कैटेगरी सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि गाइस देखो इस बारे में हम डेडिकेटेड एक वीडियो बनाएंगे इन फ्यूचर, लेकिन आपको ये समझना है कैटेगरी सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होते हैं, जिस कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइप के ऑडियंस के पास आपके वीडियो भेजेंगे। तो 100% आपको ये करना है, जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर रहे हो उससे आपका वीडियो मैच होना चाहिए। ये भाई पूछ रहे हैं, सर अगर मैं अपने चैनल के ऊपर शॉर्ट वीडियो डालूं और मानो अगर मैं अपने चैनल के ऊपर लॉन्ग वीडियो डालूं, इन दोनों में से कौन से वीडियो के ऊपर मेरा फ्यूचर, मेरा करियर जो है वो अच्छा होगा? देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप खुद के कंटेंट बना रहे हैं, खुद वीडियो बना रहे हैं जैसे ऑन स्क्रीन आ रहे हैं या फिर खुद वॉइस ओवर कर रहे हैं, सब खुद का कंटेंट है, तो कोई मायने नहीं रखता आपकी कैटेगरी क्या है, लॉन्ग वीडियो या फिर शॉर्ट वीडियो, जहां पर भी लोग आपको पहचानेंगे उसमें से ही आपका फायदा होगा। अगर आप इनकम करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तो इस केस पर मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग वीडियो से आप फिलहाल के तौर पर तो ज़्यादा इनकम कर सकते हैं, लेकिन स्पॉन्सरशिप और शॉर्ट के जो रिवेन्यू फिलहाल यूट्यूब दे रहे हैं उसको मिलाकर आप ठीक ठाक कमा भी सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट के अंदर बहुत सारा कंपनीज जो है वो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट वीडियो लोग ज़्यादा देखते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूँ, शॉर्ट वीडियो में जो भी स्पॉन्सर आपको स्पॉन्सर करना चाहेंगे वो आपको मोटा रकम देने वाली है। मानो मैं आपको आइडिया देता हूँ, अगर आपके शॉर्ट पे लगभग 15,000 या फिर 20,000 व्यूज आते हैं तो उस केस पर आप वहाँ पे 10,000 या फिर 5,000 रुपया तक डिमांड कर सकते पर वीडियो के लिए, पर एक शॉर्ट वीडियो के लिए। ये भाई ने जो सवाल किया था इसमें बहुत सारे लोगों का हेल्प होने वाले हैं। भाई क्या मैं आपका वीडियो यूज कर सकता हूं, मतलब आप लोग क्या मेरे वीडियो यूज कर सकते हो? देखो पहले दिन पे ही मैं बता दिया था कि आप मेरे वीडियो बिना डरे यूज कर सकते हैं, मैं कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर आपके कोई भी स्ट्राइक या फिर कोई भी वायलेशन नहीं दूंगा, यूट्यूब के पास कोई अपील नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मेरा वीडियो अगर इस्तेमाल कर ही रहे हो तो एज इट इज मेरा वीडियो डाउनलोड करके इस्तेमाल मत करो, ठीक है? इस्तेमाल मत करो, एज इट इज डाउनलोड कर
करके अपलोड मत करो, क्योंकि उससे आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होने वाला। जैसे आप मोनेटाइज के लिए भेजोगे, भले ही आपका जो है क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए मोनेटाइजेशन के, अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए भेजोगे तो उस टाइम पे यूट्यूब आपको आकर बता देगा रीयूज्ड कंटेंट, क्योंकि ये पहले ही मेरे चैनल पे कंटेंट आईडी के साथ अपलोड हो चुका है। तो इसी वजह से मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप अपलोड करना ही चाहते हो तो थोड़ा बहुत क्रॉप कर दो, बीच में से कट कर दो, या फिर कहीं भी एक छोटा मोटा क्लिप लगा दो, ऐसे करके आप अपलोड कर सकते हो। और हाँ, ध्यान रहे, ये मेरे वीडियो के लिए है। अगर आप मेरी बात सुनकर किसी और एक यूट्यूबर के, जैसे कैरीमिनाटी हो गए या फिर टेक्नो गेमर्स हो गए, इनके वीडियो लेके इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस पर उनसे ही परमिशन पहले मांगो। ये भाई ने जो सवाल पूछे थे ये काफ़ी कमाल के हैं, इसलिए बहुत सारा क्रिएटर के बहुत ज़्यादा ही मदद होने वाला। एक कॉपीराइट स्ट्राइक इनको मिला था, लेकिन वो वीडियो, जिस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मिले थे, वो वीडियो इन्होंने डिलीट कर दी। और ये भाई अब सोच रहे हैं आगे चल के इनका कोई परेशानी नहीं होगी, मतलब मोनेटाइजेशन के लिए या फिर अपने चैनल के लिए कोई खतरा तो नहीं होगी। देखो, वीडियो लंबा हो जाएंगे, इसी वजह से डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको 100% ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना है, अगर आपके पास कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आते हैं, वायलेशन के कोई स्ट्राइक आते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस हो गए, तो आपके एक टाइम पीरियड होते हैं, जैसे कि 90 डेज 60 डेज ऐसे रहते हैं ना, तो टाइम पीरियड होते हैं। अगर आप अपने वीडियो को डिलीट कर भी देते हो अपने चैनल के ऊपर से, लेकिन आपके स्ट्राइक नहीं जाने वाला, मानो 60 दिन के लिए आपका स्ट्राइक है, तो 60 दिन आपके चैनल के वो वायलेशन रहेगा। आप वीडियो डिलीट कर दो या फिर ना करो, कुछ भी करो, वो वायलेशन आपके चैनल के ऊपर रहेगा। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि आप अगर अपने चैनल के ऊपर से वीडियो को डिलीट भी कर देते हो तो स्ट्राइक डिलीट हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वायलेशन आपके चैनल के ऊपर रहेगा, वो आपके लिए पनिशमेंट होते हैं। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए घबरा रहे हैं तो क्लियर पहले ही कर दूँ, अगर आपके ये जो स्ट्राइक का जो पनिशमेंट टाइम है 60 दिन, मानो 60 दिन क्रॉस हो जाते हैं, आज स्ट्राइक मिला, 60 दिन बाद जाकर आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करके अप्रूवल ले सकते हो। इसके बीचों बीच अप्लाई नहीं करोगे तो ही बेहतर होगा। फिर भी कुछ कुछ केस पर अगर आप रिव्यू के लिए भेजते हैं तो अप्रूव कर भी देते हैं, ठीक है, गूगल अप्रूव कर भी देते हैं, लेकिन आपको ये 60 दिन बाद करना बेहतर होगा मेरे ख्याल से। और अगर आप सोच रहे हो कि स्ट्राइक मिला है, 60 दिन बाद जाकर चैनल फ्रेश हो जाएंगे, मेरे चैनल पे व्यूज आ जाएंगे, तो ये सच है। अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि 60 दिन बाद जाकर अगर वीडियो अपलोड करेंगे मेरा चैनल का रीच डाउन हो जाएंगे, मेरा चैनल डेड हो जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। एक पनिशमेंट टाइम होते हैं, वो कंप्लीट जैसे ही हो जाएंगे आपके चैनल दोबारा वापस आ जाएंगे सही तरीके से, पहले के जैसे। अब आपके पास से मुझे सवाल मिला था, क्या हम अपने लॉन्ग वीडियो के कोई भी पार्ट को कट करके उसको एज ए शॉर्ट अपलोड कर सकते हैं उसी चैनल के अंदर या फिर दूसरे किसी चैनल के अंदर? हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें आपका कोई कॉपीराइट रीयूज्ड कंटेंट का कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप अपने चैनल के ऊपर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके वीडियो कोई और करते हैं तो उस केस पर अगर वो स्ट्राइक देते हैं तो स्ट्राइक आएगा। लेकिन आप अपने चैनल के वीडियो खुद के चैनल पर या फिर खुद के दूसरे चैनल पर करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, उसमें से आप रेवेन्यू अर्न भी कर सकते हैं, शॉर्ट रेवेन्यू इनकम कर सकते। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं लाइव इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। और हाँ, हम लाइव ज़रूर आएंगे और हम सोचते हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर थोड़ा बहुत फॉलोअर आ जाए, उसके बाद वहाँ पे लाइव आके आप लोगों से लाइव बात करेंगे, आप लोगों के सवाल के आंसर करेंगे, ठीक है। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज़ गाइस, अगर आपके पास कोई भी ऐसा सवाल है कमेंट पे पूछिए, उसके बाद हम आंसर करेंगे। और उस आंसर को सुनने के बाद आप खुद ही बता देना कि हम आपको गलत चीज़ सिखा रहे हैं, गलत चीज़ दिखा रहे हैं, या फिर झूठ का कोई बात बना रहे हैं। देखिए, कोई भी सवाल आप करते हैं उसके बारे में पहले हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद ही जाकर उसका आंसर करते हैं। तो आपको ये पता होगा, इस चैनल के ऊपर आपको YouTube टिप्स, ट्रिक्स, न्यूज अपडेट, लीक्स के अलावा कुछ भी नहीं दिखने को मिलेंगे, वो भी YouTube एल्गोरिथम एंड प्राइवेसी पॉलिसी जो कहते हैं। साथ ही साथ मैं अपने 6 साल के YouTube एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ वो 100% बताने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ये चाहता हूँ जितने भी क्रिएटर है या फिर बनना चाहते हैं वो हमारे साथ बने रहे। मेरा 2-3 चैनल है, उसमें से मैं कितना इनकम करता हूँ, एक एक वीडियो से कितना कमाई होते हैं, लेफ्ट वाले वीडियो पे मैंने आपको दिखाए हैं। अगर आप नए क्रिएटर हैं तो राइट वाले वीडियो को देखकर आप जान पाएंगे यूट्यूब ने क्या नया चेंजेस किए हैं 2023 साल पे। बीच वाला गोल बटन दबा के प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इन फ्यूचर और एक बार हमारा जरूर मुलाकात हो।